अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़, आपको एक ज़रूरी खबर से आगाह करते चलें कि ऐमन खान की बेटी अमल मुनीब को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया गया है। ऐमन और मिनाल के सारे फैंस बहुत परेशान हैं। ऐमन खान को तो किसी की नज़र लग गई। वालिद के इंतकाल के बाद मुश्किल से इस सदमे से बाहर आई थी कि फिर से बेटी की परेशानी में मुब्तला हो गई। ऐमन खान की बेटी नन्ही अमल मुनीब को क्या हुआ, क्यों नन्ही सी जान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, तमाम तफसील आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। मिनाल खान भी अपनी भांजी की खबर सुन के रो रो के निढाल हो गई। फैंस हमेशा अपने फेवरेट स्टार्स की फैमिली से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी के वो अपनी फैमिली से करते हैं। एक दिन पहले मुनीब भट्ट और उनकी फैमिली इंतहाई खुश थी। ऐमन खान ने अपने सास और ससुर की शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाई और मुनीब ने अब्बू को शादी की सालगिरह पे उनको एक महंगी कार भी गिफ्ट की। लेकिन दूसरे ही दिन ऐमन और मुनीब भट्ट को अपनी बेटी की परेशानी का सामना करना पड़ा। नन्ही अमल मुनीब खेल रही थी कि अचानक गिरने की वजह से जख्मी हो गई। उनके सर पे चोट लग गई और नन्ही अमल को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी ट्रीटमेंट की गई। अब नन्ही अमल पहले से काफ़ी बेहतर हैं। आप देख सकते हैं कि अमल मुनीब के सर पे पट्टी लगी हुई है, फिर भी वो अपने मामों के साथ मिलकर खेल रही हैं। हर कोई ये दुआ कर रहा है कि शुक्र है कि अमल मुनीब को सर पे ज़्यादा चोट नहीं आई और सब फैंस ने मिलकर अमल मुनीब की सलामती के लिए दुआ की। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलवक्त इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ।